दूसरी एक घटना मेरे लिए बड़ी इमोशनल हो गई। मैं जब 2017 का यहाँ असेंबली का चुनाव था तो मेरा यहाँ काशी में रोड शो था और दूसरे दिन मेरी सोमनाथ में सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग थी। बिल्कुल। तो मैं यहाँ काशी रोड शो करके रात को गुजरात जाकर के सोना था तो गांधीनगर गया जी। तो मैंने सोचा मेरी माँ का मेरे भाई के यहाँ रहते रास्ते में घर पड़ता है तो मैंने कहा मैं माँ को देर हो गई लेकिन माँ को पैर छू करके जाऊंगा। तो माँ के पास गया और माँ को मिलता तो पहला सवाल रहता था 8 बजे सुबह मिलो तब भी, दोपहर को मिलो तो भी, रात को मिलो खाना खाया, ये पहला सवाल माँ का। फिर कहाँ से आए हो? मैंने कहा माँ मैं काशी से आया। अच्छा तुम काशी गए थे? मेरे लिए आश्चर्य था, उस समय उनकी उम्र 93-94 होगी। उन्होंने कहा तुम वो काशी विश्वनाथ जाते हो कि नहीं जाते हो? मैंने कहा माँ तुम्हें काशी विश्वनाथ शब्द कैसे याद है? बोले नहीं मैं गई हूँ। बोले 40-50 साल पहले गई थी, तेरे पिताजी ले गए थे। तुम बोले वही मंदिर ना जो लोगों के घरों में जैसे जाते हैं, गलियों में जैसे किसी घर में जा रहे हैं मिलने के लिए और फिर पता चलता है तो मंदिर है। तो बोले अभी भी ऐसा ही है क्या? मैंने कहा हाँ माँ ऐसा ही है। तो क्या तुम क्यों बैठे हो, क्या करते हो तुम? तो मुझे पूछा। मैंने कहा मैं वहीं से आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए प्रसाद देने आया हूँ। और मैंने कहा मुझे सुबह यहाँ से सोमनाथ जाना है। नहीं बोले वो तो मैं ये बराबर याद है, ऐसा है बोले किसी के घर में जैसे गली में जाते हैं ऐसा है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको ये विश्वनाथ याद रहना, उनको पूरा दृश्य याद रहना 40-50 साल के बाद। वैसे मेरी माँ की मेमोरी बहुत शार्प थी, आखिरी तक मैंने देखा बहुत शार्प थी। तो एक और दूसरा मेरी माँ के एक वाक्य मुझे ये मैं कभी भूल नहीं सकता। और वही माँ जब 100 साल की हुई और उनका 100 का जन्मदिन था जी, तो मैं माँ के पैर छूने गया था। हम कभी जन्मदिन वगैरह तो मनाए नहीं जीवन में। तो माँ ने कहा, मैंने माँ को कहा माँ मैं मेरे लिए तो कुछ कहो तुम, मैं क्या करूँ? तो मेरी माँ ने एक जो वाक्य कहा है, शायद बड़े बड़े पंडितों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा वो बोली नहीं जी। उसने कहा देख भाई दो चीजें ध्यान रख। अच्छा इसके साथ मैं एक और बात कहता हूँ, मैं पहली बार जब मेरा मुख्यमंत्री बनना तय हुआ तो मैं दिल्ली से गुजरात गया तो मैंने सोचा पहले माँ को मिलके बताऊं कि मेरा मेरी नौकरी बदल रही है। तो मैं गया माँ को कहा मैं माँ मैं अब गुजरात आ रहा हूँ। आपने कहा नौकरी बदल रही है? तो माँ के पास गया जी। मैंने कहा माँ मैं अब गुजरात आ। अच्छा अच्छा तुम गुजरात आ जाओगे? हाँ। तो उनकी खुशी यही थी कि मैं गुजरात आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा एक काम मिला है तो मैं काम करूँ। अच्छा तो बोले एक काम देखना, गुजराती में शब्द है लांच, रिश्वत के लिए बोलते हैं। बोले देखिए दो काम जरूर करो, लांच लेना नहीं और गरीब को भूलना नहीं, ये दो बातें कही। 100 साल के उम्र के समय इतने साल मुख्यमंत्री इतने साल प्रधानमंत्री रहने के बाद गया तो माँ को मैं मिलने गया 100 साल की उम्र पे। मैंने कहा माँ आज 100 का जन्मदिन है, मुझे भी तो कुछ आप आदेश दीजिए। तो माँ ने कहा देखो भाई दो काम संभाल के करो। मैंने कहा क्या? एक काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो मैंने मेरे भतीजे को मैंने कहा टैप कर लो भाई, ये वाक्य कोई कभी भी नहीं निकाल सकता है। तो ये दोनों चीजें मैं जोड़ के देखता हूँ कि उनके अंदर एक सातत्य था, एक विरक्त भाव था और वो अपने बेटे को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी मानती नहीं थी। पर्सनल प्रॉपर्टी कभी नहीं माना उसने, उसने मान के चली कि ठीक है मैंने जन्म दिया है देश के लिए काम करेंगे। अब देखिए मैं गांधीनगर में रहता जी। मेरी माँ 2 किलोमीटर दूर एक कमरे वाले घर में रहती थी। मैंने कहा माँ यहाँ आकर के अगर तुम रहोगी तो रह सकती हो, मेरे यहाँ सरकारी मकान है कमरा है। उसने कहा भाई मैं तो रह लूंगी, तेरे काम का क्या होगा? मैं तेरे काम को बिगाड़ने के लिए नहीं हूँ। और वो नहीं आई, यानी उनके मन में रहता था कि उसका बेटा अपने दायित्वों को पूरा करे। बिल्कुल। और माँ के जीवन की अमिट छाप आप पर दिखाई भी देती है और मौजूदा वक्त में हम सब जानते हैं कि माँ बहनों का प्यार दुलार आपको कितना मिलता है।